हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मम्मी की टेस्टी रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स शाही चिवड़ा नमकीन। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, आपको देखने में जितना मज़ा आएगा उससे ज़्यादा फ्रेंड्स आपको इसे बनाने में मज़ा आएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए फ्रेंड्स शाही चिवड़ा नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। खट्टा मीठा चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम मसालों का एक मिक्स रेडी करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स एक बाउल लीजिए। बाउल में मैं यहाँ पर सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ। सौंफ को फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, उसके बाद उसे पीस कर ये पाउडर रेडी करा। 1 टेबलस्पून सौंफ पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। अब इन सभी मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। नमकीन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 बाउल पोहा लिया है, लगभग 250 ग्राम। मैंने यहाँ पर मोटे वाला पोहा यूज़ किया है। अब हम सबसे पहले इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। और इसे एक प्लेट में रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे पोहे को बिल्कुल अच्छी तरह से छान लिया है। आइए अब नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले सभी चीजों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल को फ्रेंड्स हमें बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म करना है, क्योंकि अगर हम चिवड़े को ठंडे ऑयल में डालेंगे, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो हमारा चिवड़ा फूलेगा नहीं। अगर आप उसे एकदम गर्म गर्म ऑयल में डालते हैं तो चिवड़ा हमारा एकदम अच्छी तरह से फूल कर आता है, इसलिए आपको ऑयल बिल्कुल अच्छा गर्म रखना है। अब हम फ्रेंड्स इस तरह से एक कोई भी स्ट्रेनर लेंगे और उसके ऊपर हम ये चिवड़ा डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स हम चिवड़ा फ्राई करेंगे। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रेनर को इस तरह से डिप कर दीजिए ऑयल में इस तरह से, और इसे हिलाते हुए हम चिवड़े को बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिवड़ा हमारा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। ये देखिए हमारा चिवड़ा कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। देखिए फ्रेंड्स हमारा चिवड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। आइए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल में टिश्यू लगा लिए हैं। अब हमने जो पोहा फ्राई किया है वो हम इस बाउल में डाल देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा पोहा फ्राई हुआ है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए है ना फ्रेंड्स एकदम बढ़िया। अब हम फ्रेंड्स जो हमने स्पाइस मिक्स बनाया था उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि इस टाइम हमारा पोहा काफी गर्म होता है तो हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाएगा। थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपना सारा पोहा फ्राई कर लेंगे। एक बार फिर से फ्रेंड्स हम स्ट्रेनर को इस तरह से ऑयल के ऊपर रखेंगे, पोहा उसमें डाल लीजिए और इस तरह से फ्रेंड्स उसे हिलाते हुए फ्राई कर लीजिए। देखिए कितना जल्दी हमारा पोहा फ्राई हो जाता है, बस इसे हल्का सा हमें क्रिस्प करना होता है फ्रेंड्स। देखिए हमारा पोहा बिल्कुल अच्छी तरह से क्रिस्प हो गया है। इसे इस तरह से थोड़ा सा फ्रेंड्स हिला लीजिए, जिससे कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अब हम फ्रेंड्स अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हैं। स्ट्रेनर रखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है, उसे भी हम सेम इसी तरह से फ्रेंड्स फ्राई करेंगे। इस तरह से बीच बीच में इसे हिला दीजिए। ऑयल को फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ऑयल को हमें बिल्कुल गर्म रखना है। हम फ्रेंड्स जो भी सारा प्रोसेस कर रहे हैं एकदम हाई फ्लेम पर कर रहे हैं। हमें फ्रेंड्स मूंगफली को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए हमारी मूंगफली भी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारी मूंगफली का कलर भी चेंज हो गया है। इसे भी हम चिवड़े के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब एक बार फ्रेंड्स हम एक बार फिर से स्पाइस मिक्स ऐड करेंगे और इसे भी मिला लेंगे। अब हम फ्रेंड्स काजू को फ्राई करेंगे। काजू हमारे बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज हम फ्रेंड्स जो चिवड़ा बना रहे हैं एकदम शाही चिवड़ा बना रहे हैं, इसलिए काजू किशमिश बादाम मैं सब कुछ इसमें ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए हमारे काजू कितनी जल्दी फ्राई हो गए हैं और ये देखिए इनका कलर कितनी जल्दी चेंज हो गया है। बस फ्रेंड्स हमें काजू को इतना ही रोस्ट करना है। मुझे फ्रेंड्स एक मिनट भी नहीं लगाया इसे फ्राई करने में। इसे भी सब चीजों के साथ मिला लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स एक कप मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे बादाम भी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी किशमिश ली है, उसे भी फ्राई करेंगे। अब फ्रेंड्स आप किशमिश को किस तरह से फ्राई करेंगे, आपको बिल्कुल बस एक बार इस तरह से डालना है और तभी की तभी निकाल लेना है। इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी अगर आप इसे ज्यादा फ्राई करेंगे तो हमारी किशमिश है वो कड़वी हो जाएगी। इसलिए बस एक बार घी में डालिए और निकाल लीजिए। फ्रेंड्स मैं थोड़े से कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, क्योंकि जो हम चिवड़ा बना रहे हैं उसमें कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। इस तरह से हम इसे घी में डालेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए हमारा कड़ी पत्ता भी बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसे भी मिला लेते हैं। देखिए हमारा खट्टा मीठा चिवड़ा नमकीन बिल्कुल रेडी है। आइए इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। नमकीन को फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और फ्रेंड्स जो हमारा स्पाइस मिक्स बचा हुआ है उसे भी हम इसमें मिला लेंगे। और एक बार फिर से अच्छी तरह से हम इसे मिलाएंगे। देखिए हमारा एकदम खट्टा मीठा शाही चिवड़ा नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स आप इसे मार्केट से बहुत ही महंगे दामों पर खरीदते हैं, आप इसे घर में बनाइए, बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना। आप अपनी पसंद से अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फ्रेंड्स इसे आप घर में बिल्कुल अच्छे ऑयल में बनाइए। देखिए हमारा खट्टा मीठा शाही चिवड़ा नमकीन बिल्कुल रेडी है बनकर। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी चिवड़ा नमकीन बनी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।